मित्रों आज हम मगहर में हैं और मगहर में कल से खिचड़ी का मेला शुरू हो जाएगा। हालांकि भीड़ अभी से है, तो अभी मगहर में जो मुख्य बातें थी कि आप सामने देख पा रहे होंगे कि एक मंदिर है जिसको जो है संत कबीर की समाधि भी कहा जाता है और बगल में ठीक उनके कबीर साहब की मजार है और उसके भी बगल में आप देखेंगे तो कमालुद्दीन शाह यानी जो संत कबीर के पुत्र थे वह भी यहीं पर आके जो है उनकी भी मृत्यु हुई थी, तो उनकी भी मजार बगल में बनी हुई है और उस पर मुझे लगता है उर्दू या अरबी में लिखा भी हुआ है, आप देख सकते हैं। संत कबीर जो थे वह मानवता के सबसे बड़े संदेश वाहक माने जाते हैं और उन्होंने हिंदू मुस्लिम दोनों पर बराबर कटाक्ष किया, दोनों ही धर्मों से लोग उनके अनुयायी थे। लेकिन एक सीमा के बाद जब कबीर दास जो है समाधि ग्रहण करते हैं या ईश्वर की चरणों में जाते हैं, उसके बाद ही दोनों धर्मों के लोगों में विभेद पैदा हो गया और परिणाम स्वरूप जो कथा आती है कि उनके अनुयायियों ने मुस्लिम अनुयायियों ने कहा कि उन्हें दफनाया जाएगा और हिंदू अनुयायियों ने कहा नहीं, उन्हें समाधि दी जाएगी अथवा उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से। इस बात को लेकर दोनों में बड़ा विवाद हुआ और कहा जाता है कि जो जिस चद्दर से जो है कबीर दास की का पार्थिव शरीर ढका हुआ था उसे जब उठाया गया तो वहाँ पर कुछ फूल बिखरे मिले, वह शरीर नहीं मिली, ऐसी कथा आती है, कहानी आती है। तो उनके मुस्लिम अनुयायियों ने यहाँ पर एक मजार बना दी और वहाँ पर एक मंदिर बना दिया गया, उनकी समाधि बना दी गई। आप देख सकते हैं कि सबसे अधिक भीड़, मुझे इसमें थोड़ा सा एक अलग एंगल नज़र आता है कि क्या सोच रही होगी, क्या आखिर जो मुस्लिम अनुयायी रहे होंगे उन्होंने क्या सोचा होगा, किस हिसाब से इस मजार को बनाया होगा उन्होंने। यहाँ पर कोई आप देखेंगे यहाँ पर सिर्फ हिंदू समुदाय के लोग हैं और वो मजार में भी जा रहे हैं और मंदिर में भी जा रहे हैं, मंदिर और मजार दोनों जगह वे पूजा पाठ कर रहे हैं, अपने हिसाब से चढ़ावा भी चढ़ा रहे हैं। आप कमालुद्दीन शाह के मजार के अंदर देख सकते हैं, थोड़ा उसको हम कहेंगे जिससे कि दिखाएं जो है चावल वगैरह चढ़ा हुआ है। यहाँ पर वर्तमान में मुस्लिम जो उनके अनुयायी हैं उनकी संख्या मुझे शून्य दिख रही है, उनकी संख्या शून्य दिख रही है और बाकी जो मंदिर है वहाँ पर भीड़ लगी हुई है। हम अंदर भी आपको दिखाते हैं, यह है संत कबीर की मजार और देख सकते हैं यहाँ पर चढ़ावा चढ़ा हुआ है, कमरे को काफ़ी सुगंधित द्रव्य से बनाया गया है, काफ़ी जो है सुगंध है यहाँ पर, अच्छा है, बढ़िया है। आप मैं अपने सहयोगी कहूँगा किस तरह से देखिए यहाँ पर मकर संक्रांति के अवसर पर खिचड़ी चढ़ाने की प्रथा है और यहाँ पर खिचड़ी रखी हुई है, श्रद्धालु आ रहे हैं और खिचड़ी चढ़ा रहे हैं, लोगों ने चढ़ावा भी चढ़ाया हुआ है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है एक समुदाय के लोग आ रहे हैं जो वर्तमान में संत कबीर के कितने मुस्लिम अनुयायी हैं इनका आंकड़ा पता कर पाना तो मुश्किल है, लेकिन उनकी संख्या नदारद है। दोनों जगहों पर सिर्फ हिंदू समुदाय के लोग आ रहे हैं और चढ़ावा चढ़ा रहे हैं, जबकि ये जो बंटवारा हुआ था मंदिर और मस्जिद में दो धर्मों के लोगों के बीच में हुआ था। तो देखिए यहाँ पर मजार के जो व्यवस्थापक हैं खादिम हुसैन अंसारी जी,
अंसारी जी, हम जानना चाहेंगे कि जैसे कि वहाँ जो लोग चढ़ाव चढ़ा रहे हैं, यहाँ भी चढ़ा रहे हैं, तो क्या यहाँ नमाज वगैरह भी होती है या नहीं? नहीं, ये मकबरा है, यहाँ मस्जिद नहीं है। मस्जिद में नमाज होती है, ना कि मकबरे में। अच्छा अच्छा अच्छा। कबीर साहब का यहाँ मजार शरीफ है और मजार पे मकबरा बना हुआ है। अच्छा अच्छा। ये मस्जिद होती तो मस्जिद में नमाज होती, बगल में मस्जिद है जहाँ पे नमाज होती है। अच्छा अच्छा। तो यहाँ जो है मुस्लिम अनुयायी भी आते हैं? आते हैं, सभी धर्म के लोग आते हैं। अभी तो फिलहाल मुझे जो है आप ही दिख रहे हैं, और कोई ऐसा दिख नहीं रहा है कि जो यहाँ के आज चढ़ावा चढ़ा रहा हो। नहीं, ऐसा है। हाँ। अब आपको इसमें पहचान क्या होगी, चूंकि मुसलमान होके दाढ़ी नहीं रखाते हैं। नहीं नहीं, नहीं, नहीं। सही है, दाढ़ी नहीं रखाते हैं। हाँ। और मुस्लिम औरतें जो है पर्दे में होती हैं, वो जब भीड़ भाड़ कम होती तब निकलती हैं। हाँ। आप शाम के समय आइए या सुबह के समय, जब भीड़ कम हो तो आपको मुस्लिम औरतें भी नजर आएंगी यहाँ, क्योंकि पहचान वही उनका नकाब ही है। मतलब जो लोग आते हैं वो दोनों जगह दर्शन करते हैं। दर्शन करते हैं। अभी देखिए दो एक महिला बैठी हुई है, महिला। चलिए धन्यवाद आपको। तो मित्रों, जैसा कि आपने देखा कि जो है एक आज के 400-500 साल पहले ऐसी परिस्थितियां बनी थी, लेकिन वर्तमान में निश्चित रूप से मगहर का विकास हुआ ही है और हो रहा है। कुछ इस सरकार के द्वारा कुछ हुआ है कि नहीं? नहीं, सरकार के बारे में हो रहा है, यहाँ पे विकास हो रहा है, डॉर्मेट्री हॉल बन रहा है, बन के तैयार हो गया है, और उसके बाद रिसर्च सेंटर बन रहा है। अच्छा अच्छा। और विकास का बोर्ड लगा हुआ, 19 कार विकास में आते हैं, वो सब लगा हुआ सामने भी हुआ। अच्छा, तो इस मेले के आयोजन में सरकार की भी कोई भूमिका है कि ये मेले के आयोजन में सरकार, इस सरकार की कोई भूमिका नहीं है। समाजवादी सरकार थी, उन्होंने 25 लाख रुपया अनुदान दिया था प्रतिवर्ष मेले के लिए, जो इस सरकार में नहीं मिल पा रहा है। अनवरत 3 वर्षों से मेला महोत्सव नहीं लग रहा। उससे कुछ फर्क पड़ा है मेले पर? मेले पर कोई फर्क नहीं पड़ा है। जी जी जी, मेले पे कोई फर्क नहीं पड़ा है इस महोत्सव के ना होने से। हाँ, हाँ, ये जरूर है कि लोग उपेक्षित हुए हैं, उपेक्षा का शिकार हुए हैं। हमारे शायर, हमारे कवि, कलाकारगढ़, ये सब उपेक्षा के शिकार हुए हैं। कुछ मगहर के जो उभरते हुए कलाकार जो थे, उनकी भी उपेक्षाएं हुई हैं, बाकी तो सब। अच्छा, एक चीज़ और मैंने देखा, मैं भी लोकल का रहने वाला हूँ। आज के 15 साल पहले मैं आया था, तो यहाँ जो एक पौधशाला है आपके वहाँ, ये बहुत ही सुंदर अवस्था में थी, लेकिन वर्तमान में उसकी स्थिति बहुत ही गड़बड़ मैं देख रहा हूँ। वहाँ न तो ढंग से पेड़ पौधे हैं, न तो कोई फूल है, तो ऐसा क्यों है, अव्यवस्था क्यों है, कुछ बता सकते हैं आप उसके बारे में? ये तो वहाँ के प्रभारी बताएंगे क्यों ऐसा है, धन की कमी है। मतलब उसका इससे कोई मतलब नहीं, नहीं, नहीं। कबीर मजार और कबीर समाज से, उस पौधशाले से कोई मतलब नहीं, वो राज की पौधशाला है। अच्छा, वहाँ के प्रभारी बता सकते हैं कि उपेक्षा क्यों है उसकी। आपको लगता है कि नहीं कि अंतर है? उपेक्षित है, क्योंकि मैं बता रहा हूँ कि एक बार मैं आया था यहाँ पर, जो है उस समय मुझे लगता है जितने भी क्वालिटी के गुलाब होंगे हो सकते हैं वो थे, सारे पेड़ पौधे थे, और इस समय वो बहुत ही गंदी उपेक्षा का शिकार हो चुका है। और ये मैं पिछले 6-7 साल से देख रहा हूँ, तो मुझे लगा हो सकता है ये इसी से संबंधित हो। इससे संबंधित। और बाकी जो निर्माण कार्य चल रहे हैं उन पर आपका क्या कहना है? ये पर्यटन विभाग करा रहा है, इससे मजार और समाज से कोई मतलब नहीं है। अच्छा अच्छा। ये पर्यटन की दृष्टि से पर्यटन विभाग करा रहा है। 27 एकड़ जमीन पुरातत्व विभाग की बैनामे की खरीदी हुई है। अच्छा, उसी भूमि पे पर्यटन विभाग विकास करा रहा है। तो इसका कुछ लाभ मिलता हुआ दिख रहा है आपको? लाभ जब यात्री आएंगे, पर्यटक आएंगे, तो इसका लाभ मिलेगा। लेकिन अभी जब तक हमारी गवर्नमेंट यहाँ पे ट्रेन का ठहराव नहीं करेगी या बस स्टेशन नहीं बनवाएगी, तब तक कुछ नहीं होगा। क्योंकि पर्यटक आते हैं तो उन्हें सुविधा चाहिए, ना एक भी ट्रेन कोई नहीं रुकती है जो एक्सप्रेस हो। पर्यटक आएंगे तो रहेंगे कहाँ, उनके रहने की व्यवस्था नहीं है, रोडवेज की बस नहीं रुक रही है, डिपो अभी नहीं बना हुआ है, इन सब के कारण पर्यटक अभी नहीं आ रहे हैं। और जो मुख्य बात है वो मैं आपसे जानना चाहूँगा, आमी नदी को लेकर, अभी मैं 2-3 बार आ चुका, मैंने देखा बहुत स्वच्छ लग रही है मेरे हिसाब से, तो नाव भी चल रही है, तो उसके बारे में क्या स्थिति थी और वर्तमान में क्या स्थिति है? वर्तमान में स्थिति तो नहीं ठीक है, पहले भी खराब थी, आज भी खराब है। जब से पेपर मिल का पानी और वहाँ डिस्टिलरी का पानी आने लगा है, तब से पैसा का शिकार। तो अभी तो पानी मैं देख रहा हूँ साफ लग रहा है, आज मैं गया था वहाँ पर काफ़ी नज़दीक से मैंने देखा। समय समय पर फैक्ट्री के लोग पानी रोक देते हैं। अच्छा, अच्छा। और मगर मौसम को देखते हुए, कि अभी अधिकारी भड़क जाएंगे इसको देखते हुए, इसलिए उस पानी को रोक देते हैं, जो भी मौसम खत्म होगा पानी छोड़ देंगे, फिर काला हो जाएगा। तो अगर इसको किया जाए तो ढंग से यहाँ पर विकास संभव है। विकास संभव है, लेकिन सबसे पहले रेलवे का ठहराव होना चाहिए। जब तक रेल नहीं रुकेगी, रोडवेज नहीं रुकेगी,
और यहाँ पे यात्रियों के रहने की व्यवस्था नहीं हो जाएगी, विकास तो यात्री निवास नहीं बन रहा है अभी। यात्री निवास डेमेट्री हॉल बना हुआ है, उसमें महन जी के परिवार के लोग, जो मंदिर परिवार के लोग हैं, उसमें कब्जा किए हुए हैं। अच्छा, उसमें रह रहे हैं, चूँकि उनके पास धर्मशाला नहीं है, धर्मशाला हमारा भी तोड़ दिया गया है। यहाँ सर छुपाने की जगह नहीं है। अभी देखिए, एक पेड़ की डाल यहाँ पे छाँव था, उसको भी पुरातत्व विभाग ने कटवा दिया। अच्छा, ये डिस्टर्ब कर रहा है मॉन्यूमेंट को। अब बताइए, इस मौसम में अभी तेज़ धूप होगी, 15 दिन के बाद तो मैं कहाँ बैठूंगा? नहीं नहीं सही दिक्कत, जब मेरे लिए व्यवस्था नहीं है तो और यात्रियों के लिए कहाँ से होगी। चलिए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो मित्रों, देखा आपने, मगहर में संभावनाएं हैं, और संत कबीर जो थे वो चाहे हिंदू मुस्लिम हर धर्म के एक सर्वमान्य संत थे, सभी में उनकी मान्यता थी और आज भी है। और मगहर में विकास की अपार संभावनाएं भी हैं। अगर सरकार कोई भी हो ध्यान दे तो स्थानीय लोगों को रोज़गार के साथ साथ मगहर की भी स्थिति को चुस्त दुरुस्त किया जा सकता है, और इसके लिए आवश्यक है, जैसे कि अंसारी जी ने बताया कि यहाँ पर ट्रेनों का ठहराव होना आवश्यक है, नदी को थोड़ा सा और बढ़िया जो है रिवर फ्रंट वहाँ पर बनाने की ज़रूरत है। हालाँकि थोड़ा बहुत प्रयास किया जा रहा है रिवर फ्रंट बनाने का, लेकिन उसको और अभी विस्तार दिया जा सकता है। और बस डिपो भी अगर बनाया जाए तो भविष्य में यहाँ पर्यटन की अपार संभावनाएं खुल सकती हैं। मगर संत कबीर के लिए एक स्वर्ग के समान था, और उन्होंने स्वीकार किया था कि मगर एक पवित्र स्थल है, इसीलिए उन्होंने अपने जो है जो परधाम गमन की स्थिति थी उसको यहाँ से उन्होंने स्वीकार किया काशी के बजाय। तो अगर सरकारों का ध्यान जाए और सरकारें इस पर उचित निवेश करें तो यह हजारों लोगों के रोजगार का माध्यम बन सकता है, पर्यटन के मानचित्र पर तेज़ी से उभर सकता है। मैं अपने सहयोगी अनुराग मणि के साथ, मैं सुरेंद्र त्रिपाठी, नमस्कार।